नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिहार को मिले 27 नए थाने। निजी स्कूलों में भी आधार नंबर हुआ अनिवार्य। आज सीमांचल और पश्चिम चंपारण में बारिश को लेकर अलर्ट। सभी विश्वविद्यालयों को व्यवसायिक कोर्स में दाखिले की मिली अनुमति। आज महिला एशिया कप के लिए भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिहार को मिले 27 नए थाने। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण और विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए आउट पोस्ट यानी ओपी को पुलिस थानों में अपग्रेड करने का सिलसिला जारी है। ओपी से अपग्रेड हुए 27 नव सृजित थानों से जुड़ी अधिसूचना गृह विभाग द्वारा जारी की गई है। साथ ही इन सभी थानों का क्षेत्र अधिकार भी तय किया गया है। इन थानों में बेगूसराय का रिफाइनरी थाना, छौराही थाना, लाखो थाना, सिंघौल थाना, लोहिया नगर थाना, रतनपुर थाना, FCI थाना, परिहार थाना, चकिया थाना, गढ़हरा थाना, मंझौल थाना शामिल है। निजी स्कूलों में भी आधार नंबर हुआ अनिवार्य। आधार कार्ड को पटना के सभी निजी स्कूलों में भी अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यार्थियों का एक बार जो पैन नंबर स्कूल प्रबंधक जनरेट करेंगे, आगे भी उनका वही पैन नंबर होगा। ये प्रक्रिया इसलिए लागू की जा रही है ताकि नामांकन में होने वाले फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इससे कोई भी सरकारी स्कूल में नाम कटवाए बिना ही नामांकन स्कूल में नहीं ले पाएंगे। साथ ही कोई भी बच्चा बिना पैन नंबर के दूसरे स्कूल में नामांकन नहीं ले सकेगा। सभी विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक कोर्स में दाखिले की मिली अनुमति। अब बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में बच्चों को व्यावसायिक कोर्स में दाखिला मिल सकेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अनुमति दे दी है। सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पत्र भी भेजा है, जहां अस्थायी तौर पर सभी एक सत्र 2024-25 के लिए मान्यता ही मिली है। विभाग द्वारा कहा गया है कि नामांकन की प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शी बरती जाए। आपको बता दें कि अभी तक शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं मिलने से प्रदेश के 50,000 विद्यार्थी दाखिल से वंचित थे। उनके नामांकन का मामला अटका हुआ था। हालांकि अब अनुमति मिलने के से नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। कई विश्वविद्यालय तो सोमवार से ही नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। आज सीमांचल और पश्चिम चंपारण में बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में एक तरफ जहां सीमांचल में अच्छी खासी बारिश होती दिख रही है, वहीं दूसरे जिले में भी लोग कम बारिश होने के कारण परेशान हैं। प्रदेश में कई जगह पर उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि आज मौसम विभाग ने सीमांचल और पश्चिम चंपारण में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज पश्चिम चंपारण, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं सीमांचल के पड़ोसी जिला भागलपुर में बारिश नहीं होने के कारण गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन 27 से 30 जुलाई के बीच भागलपुर में भी बारिश होने की संभावना है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातक नियमित में नामांकन पूरा हो चुका है। अब व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह ने WSB प्रोफेसर AK नाग को 2024-25 में नामांकन लेने की स्वीकृति मिलने के साथ ही जरूरी निर्देश दिए। अब जल्द ही नामांकन कार्यक्रम तैयार करके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। विश्वविद्यालय के स्तर पर ही BCA, BBA, BMS और अन्य सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए सीट निर्धारण और पढ़ाई शुरू करने की प्रक्रिया होगी। इस रूट के लिए पटना को एक और वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात। एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात जल्द ही पटना को भी मिल सकती है। पटना से रांची के बीच वंदे भारत का संचालन हो रहा था, अब झारखंड के टाटानगर और पटना के बीच भी वंदे भारत ट्रेन का संचालन होगा। रेलवे से लेकर पूरी तैयारी कर रहा है और उम्मीद है कि अगले महीने से इस ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाए। फिलहाल पटना से 4 वंदे भारत ट्रेन चलाए जा रहे हैं, जिसमें पटना से रांची, पटना से हावड़ा, पटना से जलपाईगुड़ी और पटना से लखनऊ शामिल है। पटना से टाटानगर का रूट भी तय किया जा चुका है। अब आसानी से थाने में होगा केस दर्ज। ऑनलाइन रिसीविंग देने की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार में पहली बार पटना पुलिस ने QR कोड से शिकायत लेने की शुरुआत की है। पुलिस QR कोड से मिलने वाले फीडबैक का एनालिसिस भी करने में लगी हुई है। QR कोड तो जारी कर दिए गए हैं, अब पुलिस शिकायत दर्ज करवाने वालों के लिए एक नई शुरुआत करने जा रही है। अभी तक पुलिस शिकायत दर्ज करवाने वालों को आवेदन पत्र पर साइन और थाने का मुहर लगाकर हार्ड कॉपी देती थी। ऐसे में कई बार लिखित आवेदन इधर उधर हो जाते थे, लेकिन अब शिकायत दर्ज करवाने वालों को ऑनलाइन रिसीविंग दी जाएगी, जिससे पुलिस को केस दर्ज नहीं करने का बहाना भी नहीं मिलेगा। विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा देने वालों का पर्दाफाश। गोपालगंज में विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा देने वालों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पुलिस ने तकिया याकूब गांव के बाईपास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। इन दोनों की पहचान इस्तेखार आलम और तौफीक अली के रूप में हुई है। ये दोनों ही कुचाई कोट थाना क्षेत्र के महुआवा गांव के रहने वाले हैं।
इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। ये लोग फर्जी वीजा देकर मोटी रकम वसूलने का काम कर रहे थे। नया कानून लागू होने के बाद छापेमारी के दौरान की जा रही वीडियो रिकॉर्डिंग। देश में नया कानून लागू कर दिया गया है। इसके बाद अब आय से अधिक संपत्ति मामले में अभियुक्तों के ठिकाने पर होने वाली छापेमारी में और अन्य सभी प्रक्रिया में वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग बरामदगी से लेकर सील करने और पूछताछ के दौरान भी सभी चीज़ों में हो रही है। न्यायालय में इसकी पेशी डिजिटल साक्ष्य के तौर पर की जा रही है। यही नियम स्पेशल विजिलेंस ईओयू समेत अन्य जांच एजेंसी पर लागू होंगे। जांच एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक इसके कई फायदे भी हैं, जिसके आधार पर कोर्ट त्वरित फैसला दे सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालते ही दिलीप जायसवाल ने बताई रणनीति। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल बनाए गए हैं। अध्यक्ष पद का पदभार संभालते ही उन्होंने कहा, जात पात और वर्ग भेद से परे भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाएंगे। आगे उन्होंने 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव पर अपनी रणनीति भी बताई। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि 3 अगस्त से वे जिलों का दौरा सह प्रवास आरंभ करेंगे। बिहार में चुनाव 2025 के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी दलों से बेहतर संवाद स्थापित कर गठबंधन को मजबूत बनाएंगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही और दावा करते हुए कहा, बिहार में अगली सरकार एनडीए की ही होगी। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर उतरने का किया ऐलान। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिहार के विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है और अब कांग्रेस इस मांग को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। कांग्रेस इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। ये संघर्ष सदन से लेकर सड़क तक होगा। आगे उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की आवाज़ पूरे बिहार की है। केंद्र सरकार अगर इस मांग को अनसुनी करती है तो हम संघर्ष करेंगे। राजद से वैशाली के कैंडिडेट रहे मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी की भरी मुश्किलें। मुन्ना शुक्ला और उनके परिवार की मुश्किलें पहले से और भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला लोकसभा चुनाव में वैशाली सीट से राजद के कैंडिडेट रह चुके हैं। अब इनके खिलाफ सदर थाने की पुलिस में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। इसमें मुन्ना शुक्ला के साथ उनकी पत्नी अनु शुक्ला का नाम भी शामिल है। इन दोनों पर आरोप लगा है कि दोनों बीबीगंज इलाके में विवादित जमीन पर कब्जा के हथियारों से लैस लोगों के साथ पहुंचे थे। इस दौरान जमकर बवाल मचा। पुलिस ने कहा कि अब कोर्ट की कार्रवाई का इंतजार है। पटना में गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग नहीं देने पर लगेगा जुर्माना। अब पटना में रहने वाले शहरवासियों को नगर निगम कर्मियों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं देने पर जुर्माना लगेगा। 2 अक्टूबर से जुर्माना लगाने का ये नियम लागू किया जाने वाला है। गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं देने पर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन इससे पहले शहर के सभी रजिस्टर्ड होल्डिंग ऑनर को मैसेज भेजकर प्रोत्साहित करने की तैयारी है। वार्डों में दैनिक मानदेय पर 375 महिला मोबिलाइजर नियुक्त किए जाएंगे ताकि ये घूम घूम कर लोगों को समझाने का प्रयास करें। बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शरद पवार की पार्टी एनसीपी। अब बिहार की राजनीति में शरद पवार की पार्टी एनसीपी का प्रवेश हो चुका है। यहाँ एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद राहत कादरी बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालते ही उन्होंने कहा, बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव में पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो दायित्व दिया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मालूम हो कि मोहम्मद राहत कादरी बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। छात्र जीवन से ही वे एनसीपी पार्टी से जुड़े रहे और अब इन्हें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आज महिला एशिया कप के लिए भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला। भारतीय टीम महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखने की कोशिश करेगी और आज श्रीलंका के विरोध में यहां होने वाले फाइनल में जीत दर्ज करके रिकॉर्ड 8वां खिताब जीतने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि अभी तक के टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। लीड चरण में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से, संयुक्त अरब अमीरात को 78 रन से, नेपाल को 82 रन से हराया है। वहीं बांग्लादेश को सेमीफाइनल में 10 रन से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। आज भारत और श्रीलंका के बीच दोनों में से किसका पलड़ा भारी हो सकता है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, गोनर शर्मा, दीपक कुमार, रंजीत मिश्रा, अंजीव कुमार, तुलसी ऋषिदेव, राजकिशोर महतो, रवि कुमार राम, राकेश मिश्रा, राम बाबू। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।